सो हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आज की वीडियो फिर से कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट और इम्पॉर्टेंट, बहुत इम्पॉर्टेंट, क्योंकि रिजल्ट आए हुए 2 से 3 दिन हो गए हैं। अब बच्चों को मार्कशीट समझ में नहीं आ रहा कि उनके रिजल्ट में क्या दिया है भाई, और क्या किसका मतलब है। मैं सिर्फ मीनिंग बता सकता हूँ, वो सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं वो आप खुद डिसाइड कर सकते हो, है ना? तो सबसे पहले बच्चों के ना, अब मैं बात करता हूँ, एक तो सबसे पहले हमारा ग्रेड होता है, ग्रेड गिवन होता है, ठीक है? जैसे ए आ गया, बी आ गया, सी आ गया, डी आ गया। ई ग्रेड नहीं होता, डी तक ही ग्रेड देते हैं वो, ठीक है? अब उसके अंदर वो मार्क्स के हिसाब से ग्रेड दे रहे हैं, चाहे बच्चा सेमेस्टर 1 का हो, चाहे आपका सेमेस्टर 6 का हो। 6 वाले ज्यादा परेशान है, 1 वाले तो बोल रहे हैं चल अगली बार दे देंगे, लेकिन 6 वाले सोच रहे हैं अब क्या होगा। तो ग्रेड है, ठीक है? तो ग्रेड का मतलब आपके कैसे कैसे परफॉर्मेंस, और एक ओ भी है, ओ का मतलब आउटस्टैंडिंग है, ए मतलब एक्सेलेंट आपका, मतलब ए का मतलब आपका अच्छा ग्रेड है, बी सी डी जो भी रहता है हमारा ये ग्रेड। इसमें किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं है। इसके साथ साथ एक, कई बार ना सब्जेक्ट के आगे एफ लिखा हुआ है, एफ का मतलब हो गया फेल, और उसके आगे 0 मार्क्स है। तो बच्चे क्या कह रहे हैं, सर हमारे 0 कैसे आ सकते हैं, कुछ तो लिखा होगा तो कुछ तो देंगे। तो DU की पॉलिसी क्या है, अगर आपके 4 पॉइंट से अगर आपके कम बन रहे होंगे ना ग्रेड, 4 ग्रेड से, तो वो उसको उठाकर 0 कर देंगे। सपोज 100 नंबर का पेपर था, 36 वाला पास है, अगर आपके 34 नंबर भी बन रहा होगा तो बच्चा तो फेल ही है, तो उसके आगे वो मार्कशीट में क्या मार्क कर देते हैं, 0 कर देते हैं। एक तो ये एफ का सबसे मेन कंफ्यूजन है जो बच्चों का आ रहा है, आर और ए। सर आर ए का मतलब क्या है, आर ए का मतलब है आपका रिजल्ट अवेटेड। जैसे मान लो, क्योंकि DU के ऊपर एक प्रेशराइज था कि जल्दी जल्दी रिजल्ट को पब्लिश करो, MBA वाले बच्चे एडमिशन लेंगे, ये लेंगे ये लेंगे सारे लेंगे। तो जिन बच्चों के आपके जैसे कि 4 सब्जेक्ट थे सपोज करो, ठीक है, 4 सब्जेक्ट थे, 2 सब्जेक्ट, 3 सब्जेक्ट और 4 सब्जेक्ट, ध्यान से समझिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है ये पेपर। DU ने चेक कर लिया, ये चेक कर लिया, ये चेक कर लिया, अभी जिन टीचर को दिया था वो टीचर ये पेपर चेक नहीं कर पाए। और एक सब्जेक्ट का सिर्फ एक टीचर नहीं होते, बहुत सारे टीचर होते हैं। सपोज करते हैं अकाउंट्स की बात करते हैं, अकाउंट्स का ये वाला चेक हो नहीं पाया, और दूसरे बच्चों का जिस दूसरे टीचर को दिया था अकाउंट्स का चेक करने, उन्होंने कर दिया है। तो ये वाला रिजल्ट अभी तक DU के पास आया नहीं है, पेपर चेक होके कितने मार्क्स है। तो इस पेपर के आगे पता है क्या लगा देंगे, वो लगा देंगे आर ए, रिजल्ट आपका क्या है इसके अंदर अवॉर्डेड लिखा हुआ है वहां पे, मतलब रिजल्ट अवेटेड अवॉर्डेड कुछ भी कह लो, कि अब जब रिजल्ट आएगा ना तो आपका मार्कशीट दोबारा रिवाइज हो जाएगा। एक बच्चे के साथ हुआ भी, मेरे साथ लाइव है, जो कि मैंने देखा, बात किया, एक दिन पहले आया, सर मैं फेल दिखा रहा है, अब मैं क्या करूं। DU, मैंने बोला एक बार DU जाओ, DU जाने के बाद, फिर मैंने DU जाने के बाद उसने बोला सर अब मैंने दोबारा चेक किया, तो DU जाने से कुछ भी नहीं हुआ, वो बस बोल देंगे वेट करिए। जब दोबारा मैंने उसको चेक किया, तो दोबारा चेक करने के बाद क्या, और DU को चेक किया तो दोबारा चेक करने के बाद क्या पाया कि सर मैं पास हो चुका हूँ। तो आरए वाला बच्चे को वेट करना पड़ेगा, उनका पूरा रिजल्ट नहीं बना है। जैसे ही रिजल्ट DU के पास आएगा, DU अगेन उसके अंदर अपडेट करके पब्लिश कर देगा। तो इसका मात्र एक ही तरीका है कि आप अपने रिजल्ट को टाइम टू टाइम अपडेट कर सकते हो। फिर भी आपको लगता है कि कब आएगा, नहीं आएगा, आप DU जाइए नॉर्थ कैंपस, और उनसे आप सीधे सी बात कर सकते हैं, इजिली बता देंगे। अभी बहुत रश होगा क्योंकि बहुत बच्चों का होगा फेल हो गए, तो इस तरीके से नोटिस वगैरह उन्होंने लगा दिए होंगे अब तक। तो होपफुली आपको आरए का मतलब समझ में आ गया। इसके बाद आता है एक ईआर। ईआर क्या होता है, एसेंशियल रिपीट। तो जहां पे आरए लिखा होगा नीचे देखोगे तो ईआर लिख देते हैं वो सिस्टमेटिकली। ईआर का मतलब होता है कि आपको ये पेपर एसेंशियल रिपीट देना होगा, दोबारा देना होगा, ठीक है ना, अगेन देना होगा ये पेपर। अब सिंपल सी बात है सर, आरए होगा तब भी नीचे ईआर लिखा होगा, ध्यान रखिएगा। अब जैसे ही आरए पेपर चेक होके आएगा, क्योंकि DU मानता है कि अगर हमारे पास पेपर चेक होके नहीं आया तो इसका मतलब बच्चा उसमें पास नहीं है अकॉर्डिंग टू मी। अब जैसे कि पेपर नंबर ये 3 था, तो वो 3 के आगे ईआर लिख देगा, और रिजल्ट 3 के आगे वो लिखेगा आरए। जैसे ही रिजल्ट अपडेट होगा उनका, दोबारा पेपर चेक होके आ जाएगा, तो यहां से भी आरए हट जाएगा यानी पास लिखा जाएगा, और नीचे से भी आपका जो ईआर है जो कि आपको गिवन है वहां से भी ईआर आपका हट जाएगा। मैं पेपर भी साइट में दिखा दूंगा कि किस तरीके से किसका मतलब क्या है।
तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन लेकिन बहुत काम की इन्फॉर्मेशन है, बच्चों को थोड़ी बहुत रिलीफ मिलेगी। तो टेंशन मत लीजिए, आपका रिजल्ट दोबारा बनेगा जो पेपर चेक नहीं हुआ, और वो अपलोड हो जाएगा। कोई रीचेकिंग वगैरह के लिए अभी फिलहाल के लिए मत जाएं। हाँ, जो बच्चे फेल हैं उनके लिए रीचेकिंग के लिए क्या प्रोसीजर होता है, कितने टाइम में रिजल्ट आता है, उस पर मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए। अगला सेमेस्टर आने वाला है, जो बच्चे 6 सेमेस्टर को पास आउट कर गए हैं वो बच्चे फिर से अगेन अपनी तैयारी अच्छी रखें, और जो बच्चे आगे की तैयारी करें, और जो बच्चे फर्स्ट सेमेस्टर से पास आउट होके थर्ड में आए हैं या फिर जो फिफ्थ में आ चुके हैं, अपनी स्टडी अभी से चालू कर दीजिए, नहीं तो बाद में बहुत डिले हो जाएगा। ऑनलाइन कोर्सेज वगैरह भी हमने लॉन्च कर दिया, और यूट्यूब पे भी वीडियो आ रहा है। आप जैसे पढ़ना है आप पढ़िए, लेकिन मन लगा के पढ़िए। ज़्यादा अगर आपको डिटेल जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने आपका एक व्हाट्सअप का लिंक दे दिया है, व्हाट्सअप नंबर दे दिया, आप उस पर कम्युनिकेट करके आपको सोल्यूशन वहां मिलेगा। वहां पे टीम बैठी हुई है, टीम इन द सेंस मैं उसको मॉनिटर करता रहता हूँ, मॉनिटर करने के बाद वो आपको बता देंगे ऐसे है, इसका मतलब ये है। ठीक है, थैंक यू सो मच। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करिएगा अगर आपको वैल्यू मिलती है, दोस्तों को बताइए, बहुत बच्चे परेशान हैं इसको लेके, तो होपफुली आपको रिलीफ थोड़ी मिल जाएगी। थैंक